बन क्यों गई? कुछ पता है बन क्यों गई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है भैया। अभी दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल अभी उठाऊँ, आधे घंटे पहले उठाऊँ और कपड़े वपड़े निकाले, मैंने इस्त्री करें, क्योंकि मेरी एक बड़ी गंदी आदत है। गंदी आदत मेरी ये है कि मैं जो जुम्मे में जो शलवार कमीज़ पहना हुआ होता ना, वो पूरे दिन पहना रहता हूँ और रात में भी उतारता और वैसे ही सो जाता हूँ। तो जब हमने पैंट शर्ट निकाली, वो इस्त्री करी और अब मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिकल जर्नल लेने, क्योंकि मेरा जर्नल लर्नर बना नहीं है। तो हम किसी और का लेकर आए हैं तो उसका छाप के हम अपना बनाएंगे, लेकिन खुद बनाएंगे, अपना बनाएंगे, खुद बनाएंगे। तो 11:30 बज रहे हैं, टाइम ही टाइम है, आराम से पहले होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और करते हैं। तो चलो, जनरल होगा प्रैक्टिकल, जनरल LPG पे चलना है सर। LPG पे चलना है और वो डीजल पेट्रोल पे चलना है। बन क्यों गई? कुछ पता है बन क्यों गई? पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। आ गए हम प्रैक्टिकल जर्नल, जर्नल तो मिल गया है, लेकिन इसकी जो बुक आती है ना इसके साथ, वो नहीं मिली। तो हमें ऐसी बुक का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम किसी और क्या देख के बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल 12:15 हो रहे हैं, देखते हैं कब तक चलता है। 5-6 प्रैक्टिकल करूँगा, 3-4 प्रैक्टिकल करूँगा, 5 ही ज़्यादा होगा। तो जितने हो जाएंगे उतने करेंगे, 3-4 भी ज़्यादा ही बोल लूँगा, 2-3 ही करूँगा, देखते हैं कितने। तो और ये गंदी काफ़ी हो रही, पता नहीं कहाँ से निकाली थी इसने पुरानी बटी। तो बस चलते हैं बनाते हैं। और तो भाई थोड़ा मैंने खाने का रेस्ट ले लिया, तो अभी खाना वाना खाते हैं। अभी मेरा एक भी प्रैक्टिकल नहीं बना, तो टाइम भी थोड़ा 10-15 मिनट ही हुए करते हुए काम, तो अभी खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल बनाते हैं। हाँ तो भाषा, अभी 1:30 बजे दोपहर का टाइम हो रहा है, 1:30 बजे और मैंने प्रैक्टिकल मैं करके उड़ी हूँ। मैंने सिर्फ 3 बनाए, 3 से ज़्यादा मेरी हालत टाइड हो गई थी, तो मुझसे काम नहीं हो रहा, तो 3 बना लिए अभी। आज हफ्ता है, कल इतवार है, लेकिन कल मैं घर पर नहीं हूँगा, दादी के जाना है। दादी के इसलिए जाना है क्योंकि जो सिंगापुर से तायबू आ रहे हैं वो वापसी जा रहे हैं, तो मिलने जाना होते हैं ना यार, पता है तुम लोगों को ये सब चीज़ें। तो अब मिलने जाएंगे, अगर कल हो सका तो मैं व्लॉग बना लूँगा, लेकिन उम्मीद नहीं करना क्योंकि ये व्लॉग ही होगा। उम्मीद लगा के नहीं बैठना भाषा कि कल भी व्लॉग आएगा, आज आ रहा है, कल थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कल मुझे जाना है दादी के यहाँ, लेकिन अपना इक्विपमेंट वगैरह सब लेके जाऊँगा, अगर मुझे मौका मिला तो हम बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। अच्छा भाषा, अगर तुम लोगों ने नोट किया हो कि यूट्यूब पे जितने भी लोगों के चैनल्स हैं उनके सब्सक्राइबर जो हैं वो ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाषा, यूट्यूब ने कहा है कि हम 1-1.5 हफ्ता आपके जो स्पैम सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको हम कटा रहे हैं। मतलब स्पैम वो होते हैं जो मतलब जिन्होंने ऐसे अकाउंट जिन्होंने करके छोड़ दिया, ज़िंदगी में कभी वीडियो नहीं देखी हमारी, तो वो खुद ब खुद अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। तो नोट करना, मेरे भी शायद सब्सक्राइबर, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन लोग कह रहे थे, मैंने भी सुना था, तो शायद मेरे भी ऐसे ही सीन हो रहा होगा कि गिर रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, तो ये एक स्पैम जो सब्सक्राइबर होंगे उनको कटा रहे हैं यूट्यूब वाले। ये हर किसी के साथ हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। तो एक नई अपडेट आई है, अच्छी बात है, जो स्पैम सब्सक्राइबर होंगे वो कट रहे हैं, शाबा कटो। यूट्यूब ने उनको कह दिया कि भाषा तुम शाबा कटो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छी बात है, अब जितने भी एक्टिव सब्सक्राइबर होंगे ना वो सिर्फ वही रहेंगे, बाकी जितने भी होंगे वो कटी जाएंगे। तो ये एक मुझे तो अच्छी लगी, बाकी काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं वो रो रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर गिर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के स्पैम होते ज़्यादातर, तो मेरे तो अभी इतने सब्सक्राइबर हैं नहीं, तो अच्छी बात है पहले से साफ़ सुथरा हो रहा है। जब भी मैं स्कूल का वगैरह कोई काम करने बैठता हूँ तो मेरे हाथों की हालत कुछ ऐसी है, ऐसे ऐसे मैं होली होली खेल कर आ रहा हूँ, ये मेरे साथ भी मसला है। हालाँकि मेरा कार्टेज पेन है जिसमें से इंक नहीं गिरती, उसमें उसके बावजूद भी मेरे हाथ रंगीन हुए हैं, क्या बात है। और यार कल रात से मुझे लगता है कि काफ़ी सर्दी आ गई है, मतलब कराची में सर्दी नाम की कोई चीज़ आ गई है अब,
बारिश भी हो गई, सर्दी भी आ गई, मतलब क्या चल रहा है। कल हम सब लड़के कहते मिलके सारे दोस्त क्या कढ़ाई खाने, तो सर्दी थी यार, ऐसी बात नहीं है, सर्दी लग रही थी। और फिश के रेट बढ़ा दिए यार, ये गलत किया है यार। अगर आप फैशन स्क्वायर वगैरह जाओ तो वहाँ फिश वाले बैठे हुए होते हैं, तो कल ही मैं कहता फिंगर फिश जो थी वो 700 रुपये की थी, लेकिन अब आप जाओगे तो 800 रुपये की मिलेगी। पैसा बढ़ रहा है और ऐसा रश बाबा, ऐसा रश जैसे पता नहीं क्या फ्री में बढ़ रही है। तो बस बात तो बादशाह से यही सब कुछ था। अब मिलते तुमसे शाम में 4-5 बजे तक, क्योंकि मैं 7-8 बजे तक शायद मैं निकल जाऊँ दादी के घर के लिए। उससे पहले मैं ब्लॉग ख़त्म करना चाहता हूँ, तो अब मिलते 4-5 बजे तक, क्योंकि अब कुछ करने को है नहीं, सोने का दिल चाह रहा है, जल्दी उठ गया था, आँख खुल गई थी, देखते हैं क्या करना है। खुश आमदीद कहते हैं हम आपको अपने व्लॉग में। हाँ तो भाई अभी 4 बज रहे हैं और जो मौसम हो रहा है ना वो दिल को गार्डन गार्डन कर रहा है, तो जब दिल गार्डन गार्डन होता है तो मेरा सिर्फ एक दिल चाहता है, चाय पीने का। तो मैंने ग्रुप में लड़कों को मैसेज कर दिया है चाय मैं पीने जा रहा हूँ, जो जो मेरे साथ आ रहा है वो आ जाए। तो फरजान भाई एक्टिव थे, उन्होंने कहा आ जाओ, तो अब मैं फरजान के साथ जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ थोड़ी सर्दी हो रही है तो ऐसे नहीं जा पाएंगे ना, फिर ऐसे जाएंगे भाई, ऐसे जाएंगे, थोड़े शशके दिखा के जाएंगे ना, तो बस ऐसे जाएंगे, सर्दी बहुत हो रही है, तो बस चाय पीने चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या प्लान बनना है, क्योंकि मुझे फरजान के साथ एक और जगह भी जाना है, तो पहले चाय फिर बाद में काम। हाँ तो भाई मौसम हो रहा था बहुत आला, तो मैंने भाई फरजान को मैंने मैसेज किया, फरजान घर पे हो? फरजान ने कहा हूँ, पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चाय पीते हैं, मौसम टाइट हो रहा है, तो अभी चाय पीने आए, टाइम हो रहा है अपना 4:30 बजे। मैं कुछ था नहीं घर में, आ गया था बाहर आए थे, हाँ मिलने आ गया, सर्दी में चाय का मज़ा ही आएगा, सर्दी में चाय का मज़ा आएगा। तो अभी 4:30 बजे चाय वाय पी के फिर हमें एक काम है निकलना है। आप लोग समझते होंगे हम लोग बहुत काम वाले बन गए, अब क्या करें, जब भी मुझे कुछ काम होता है ना मैं कभी कभी आ जाता है, जब भी मुझे कुछ काम होता है ना मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको जब काम होता है ये मुझे पकड़ता है, तो हर किसी अलग दोस्त से अलग अलग चीज़ें हम लोग करते हैं। तो वैसे तो मैंने सबको कर रहा था भाई चाय पीने जा रहे, जो जो आ रहा है, इसने ग्रुप में जवाब दे दिया, टाइम नहीं था, मैंने इसको पकड़ा था भाई, बंगश भी आया हुआ था, बंगश मैंने कहा चल तो बस गया, बोला लेके और कुछ चाय का पूछ रहे कैसे होने का लगा, सर्दी टाइट हो रही है, हमने कहा चाय पीनी पड़ेगी। तो यार कराची में सर्दी है मतलब ज़बरदस्त हो गया ना एक तरह से, सर्दियाँ आ गई कराची में, तो अभी बस चाय वाय पी रहे हैं और मज़े करो, बल्कि हम मज़े करेंगे, हम मज़े करेंगे भाई, चाय वाय पी ली है और मेरी स्पीड बताने मेरी चाय भी नहीं, मैंने बस पहला सिप लिया और हम नशेड़ी जो कहते हैं ना चाय के नशेड़ी वो हैं, बस चाय मिल जाए यहाँ पे हम वो पागल है चाय। मैंने अब्दुल्ला को देख के मैंने भी बोला मैं भी एक ही बार ही पी जाऊँ, मैंने बस पिया है, बस जबान के अभी तक जल गया, कोई बात नहीं हम आपको छालियाँ खिला दें, छालियाँ नहीं खिला कॉफी खाते हैं, बुरे बच्चे नहीं, बुरे बच्चे नहीं, अच्छे बच्चे हैं, तो बस अब चलना है और जल्दी से हमें काम भी करना है, चलते हैं। अब नहीं चलनी जब चलनी चाहिए थी, अब तो बस भाई हो गया काम वाम हो गया, अभी 5 बजे हैं और बस यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि मुझे दावत में भी जाना है, दादी का जाना है, तो इनको भी सर्दी लग रही है, इन्होंने कहा मैं घर वर जा रहा हूँ। चाय पी के वैसे सही हो गया था, चाय सिस्टम सही हो गया था, तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन अभी बहुत सर्दी यार, पता नहीं एकदम से कराची में ना कल रात से हो रही है सर्दी का, अब वापसी जाना पड़े चाय मैं तो कह रहा हूँ वापसी पकड़ो चाय वाय, लेकिन अब करते हैं तो बस यहाँ तक ख़त्म। अगर व्लॉग पसंद है तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, और शाबा कटो यार, शाबा कटो, शाबा कटो बस।